दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है, एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूँ आशीष श्रीवास्तव और आज मैं बीए वाले स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे वो एनसीवेप से कर रहे हो या रेगुलर कर रहे हो या सोल से कर रहे हैं। तो गाइस, जो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक आज का बेनिफिशियल होने वाला है और बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाला टॉपिक और बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सेकंड सेमेस्टर में ये टॉपिक। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है वाई ये वो पढ़ लेते हैं। तो समानता की अवधारणा ये हमारा आज का टॉपिक है, इट मीन्स हमारा जो मेन टॉपिक क्या है वो है समानता। तो गाइज, ये हमारी समानता वाले टॉपिक के ऊपर फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में हम पूरा चैप्टर को कवर अप कर देंगे, यानी कि फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में आइए समझते हैं समानता होती क्या है, क्या होती है समानता की अवधारणा। तो पहले मैं आपको इसके चैप्टर के जो टॉपिक है आपको इससे ही मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समानता क्या होती है आप जानते होंगे, किसी मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों के साथ सेम व्यवहार करना, सेम बर्ताव करना, सेम कायदे कानून, सब कुछ सेम होना, इसी को हम समानता कह सकते हैं मोटे तौर पर। और अवधारणा क्या चीज होती है, अवधारणा हम कह सकते हैं सोच। तो गाइस, जो समानता है इक्वेलिटी, इसकी जो सोच है, जो लोग अलग अलग सोच रखते हैं कि क्या चीज समानता होती है और क्या चीज नहीं होती, तो इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक ही हमारा समानता की अवधारणा। तो अवधारणा का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या होता है, सोच, मेंटेलिटी या किसी की थिंकिंग हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। जॉन लॉक ने स्वतंत्रता की तरह समानता को भी व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने बताया था अवधारणा मतलब सोच, तो इसमें क्या कह रहे हैं, जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक एक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े विद्वान है, विद्वान यानी कि पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम विद्वान कहते हैं। तो जॉन लॉक एक विद्वान है जिन्होंने भाई स्वतंत्रता की अवधारणा की तरह, उन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा में भी ये कहा था कि स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति का प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा दिया गया अधिकार है। तो आप इसका मतलब समझ चुके हैं। इसी टाइप से इन्होंने समानता को भी यही बताया कि जो समानता है ये व्यक्ति का प्रकृति द्वारा दिया गया अधिकार है। तो आप इसका मतलब समझ चुके हैं, ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि अवधारणा मतलब सोच होती है। तो जॉन लॉक की सोच आपने देख ली अभी पढ़ी, इसी टाइप से हम सबकी धीरे धीरे करके सोच पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए पढ़ते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है ये समझते हैं, फ्रांस के अनुसार समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति जन्म से ही समान व स्वतंत्र होते हैं। देखिए गाइस, जो फ्रांस, आप देश जानते होंगे, फ्रांस देश को आपने नाम भी सुना होगा, तो फ्रांस एक देश का नाम है। तो फ्रांस क्या कहता है, यानी कि फ्रांस के देश वाले क्या कहते हैं कि समानता क्या चीज है, समानता वो चीज है यानी कि समानता का अर्थ क्या है फ्रांस के अकॉर्डिंग, कि व्यक्ति जो है वो जन्म से ही समान होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। तो ये अर्थ बताया है फ्रांस वालों ने। इसी टाइप से गाइस नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं, इस प्रकार अमेरिका का यह मानना है कि प्रत्येक मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए गाइस, जो अमेरिका है वो क्या बताता है, समानता क्या चीज है, कि अमेरिका ये बताता है समानता वो चीज है, जैसे मान लीजिए प्रत्येक जो हर कोई व्यक्ति है वो समान ही उत्पन्न हुआ है, मतलब सेम प्रोसेस है सबके लिए, कोई अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरीके से उत्पन्न हुआ, अलग तरीके से बना है, सबका सेम प्रोसेस है। तो अमेरिका ऐसा कहता है। तो अमेरिका ने क्या अवधारणा दी, जॉन लॉक ने क्या दी और फ्रांस ने क्या दी, तो ये अवधारणा है यानी कि इन लोगों की थिंकिंग है, इन देशों की थिंकिंग है, और जॉन लॉक ये व्यक्ति का नाम है। तो आप कंफ्यूजन मत होना देश और व्यक्तियों में, समझ चुके होंगे। इसी तरीके से गाइस नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड एक्टर ने कहा कि सभी लोगों के साथ समान बर्ताव करना समानता है। तो देखिए गाइस, ये क्या है, लॉर्ड एक्टर ये एक विद्वान थे, ये भी यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो इन्होंने क्या कहा समानता को, क्या कहा इन्होंने कि सभी लोगों के साथ समान बर्ताव करना समानता है। परंतु यह अवधारणा गलत साबित हो गई क्योंकि अन्य विद्वानों ने इस अवधारणा का विरोध किया। तो गाइस, जो लॉर्ड
एक्टर थे, ये एक विद्वान थे, इन्होंने कहा कि मान लीजिए जो ये व्यक्ति हैं चार पांच, मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो इन लोगों के साथ समान व्यवहार करो, समान व्यवहार करोगे सबके साथ, समान बर्ताव करोगे, सबको खाना खिला रहे हो तो सेम खाना खिलाओ, सब कुछ मतलब हर एक चीज अपॉर्चुनिटी वगैरह सब कुछ जितना भी सबके साथ इक्वल बर्ताव होना चाहिए, इसी को हम समानता कहते हैं। तो लॉर्ड ने ऐसा कहा, परंतु जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। क्यों गलत साबित कर दिया? उन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं की, और आलोचनाएं मतलब कि बुराइयां वगैरह की, विरोध करा इसकी अवधारणा का, यानी कि जो लॉर्ड ने ये बताई थी कि सबके साथ व्यवहार सेम करो, तो इस बात का विरोध करा, गलत बताया इस बात को, ये समानता नहीं है, ऐसा बोला बाकी सारे विद्वानों ने। क्यों और क्या क्या बातें बोली हैं उसके बारे में आइए समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा कह रहा है, देखते हैं आइए समझते हैं। अन्य विद्वानों ने इस अवधारणा का विरोध यह कहकर किया कि जब सभी मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं में असमानता है, तथा प्रकृति ने भी सभी मनुष्य को रंग रूप बल बुद्धि आदि में असमान बनाया है, तो सभी व्यक्ति के साथ समान बर्ताव करना असमानता नहीं हो सकती है। तो देखिए गाइस, जो लॉर्ड ने क्या कही थी ऊपर उस वाले पॉइंट में, लॉर्ड ने एक बात कही थी कि सभी व्यक्ति के साथ समान बर्ताव करो, समान बिहेवियर करो, उसी को हम समानता कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, ये समानता बिल्कुल भी नहीं है, इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत अगेंस्ट खड़े हो गए इस चीज के लोग। क्यों? क्योंकि गाइस खुद सोचिए, आप मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और एक व्यक्ति जो है वो बहुत गवार है। अब मान लो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गई और उस बंदे को बिना पढ़े मिल गई, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा आपको भाई, कि आपने इतनी मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब मिल ली है आपको, और उसे बिना मेहनत करे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो ये समान बर्ताव गलत चीज हुई ना फिर, ये समान तो ये चीज तो बेकार हुई। तो मतलब समानता का अर्थ ये नहीं है कि लोगों के साथ समान व्यवहार करोगे तो समानता होगी, नहीं, ये बिल्कुल अर्थ नहीं है समानता का। तो यही समझाया है यहाँ पे दूसरे विद्वानों ने, यही बात बोलकर विरोध किया है कि अन्य विद्वानों ने यही बात, मतलब जो लॉर्ड ने बताया था कि सबके साथ समान व्यवहार करना समानता नहीं है, उन्होंने यही बात कैसे बताई कि ये अवधारणा गलत है लॉर्ड की। उन्होंने ये सब कहा कि भाई सभी लोगों की जो क्षमताएं हैं और आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग है, आवश्यकता यानी कि जरूरत, और क्षमता है मतलब एबिलिटी जो है उनमें, काबिलियत जो है, टैलेंट जो है, वो सबकी अलग अलग है, क्षमता है मतलब उनकी जरूरत भी अलग अलग है। तो और ऊपर से जो प्रकृति है, प्रकृति ने भी सबको अलग अलग बनाया, यानी कि रंग रूप सबका अलग होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, किसी में ताकत ज्यादा होती है, किसी में बुद्धि ज्यादा होती है, तो ये सब प्रकृति ने भी सब मनुष्य को अलग अलग बनाया है। तो आप कैसे हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार कर सकते हो, ऐसा कहा दूसरे विद्वानों ने। तो उन्होंने यही बताया लॉर्ड को कि आप जो सब व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करोगे तो ये चीज समानता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा विरोध करा इन बातों को कहकर दूसरे व्यक्तियों ने। तो आप इस पॉइंट का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके होगे। तो गाइस ये सारे पॉइंट आप एज इट इज नोट डाउन करते चले जाएगा, क्योंकि आपसे जब पेपर में पूछेगा समानता की अवधारणा, तो आप इन सभी व्यक्तियों का नाम ले लेकर मतलब कि लिख लिख के, जैसे आप लॉर्ड के अनुसार क्या अवधारणा थी, लॉर्ड ने क्या कहा था, इसी टाइप से अमेरिका ने क्या कहा था, फ्रांस ने क्या कहा था, जॉन लॉक ने क्या कहा था, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं वहां पे, तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे। ऐसे गाइज अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। समानता का सही अर्थ है कि एक जैसे व्यक्ति के साथ एक समान बर्ताव किया जाए। तो देखिए गाइज यहाँ पे बताया सही अर्थ बिल्कुल समानता का, कि एक जैसे व्यक्ति हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार करोगे तभी समानता है। ये नहीं है, मान लीजिए ये सारे व्यक्ति हैं, अब इन सबके साथ आप एक जैसा व्यवहार कर रहे हो, ये समानता बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि समानता क्या चीज है, एक जैसे जो व्यक्ति है, एक जैसे मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपका फ्रेंड भी उतना ही पढ़ा लिखा है, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने भी ग्रेजुएशन करी और आपने भी ग्रेजुएशन करी, और दोनों के पास एबिलिटी सेम, सब कुछ सेम, तब आपके साथ समान व्यवहार किया जाए, इसको समानता कहते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए दूसरे व्यक्ति ने समान समान मतलब दूसरे व्यक्ति ने ग्रेजुएशन करी नहीं और आप दोनों करके बैठ गए ग्रेजुएशन, आपको तीनों को सेम जॉब मिल गई, तो ये चीज समानता नहीं है। समान व्यवहार सबके साथ करना समानता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति समान है, जो व्यक्ति एक दूसरे के जैसे हैं, बिल्कुल सेम डिग्रियां वगैरह सब ले रखी है,
उस चीज को हम समानता कहते हैं। उनके साथ हमें समान व्यवहार करने चाहिए, ये नहीं कि बल्कि सबके साथ समान व्यवहार करो, नहीं, जो समान है उन्हीं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, इसी को हम समानता कहते हैं। तो आप समानता का अर्थ बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, ये समझते हैं, समानता निष्पक्षता पर बल देती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो देखिए गाइस, जो समानता है वो निष्पक्षता मतलब कि सही बात पर बल देती है, जो समानता है वो सही बात पर जोर देती है, जो कहते हैं मतलब सही बात पर ज्यादा फोकस करती है समानता। इसलिए भाई जो सब व्यक्ति हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए यानी कि हर एक व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए बिल्कुल समान अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे कम अवसर मिलने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, उसे अवसर उतने ही मिलने चाहिए जितने एक अमीर व्यक्ति को मिल रहे हैं। तो आप इस चीज का मतलब समझ चुके हैं इस पॉइंट का भी। तो गाइस आपको समानता का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, समानता की अवधारणा का अर्थ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गाइस ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो है हम इसे यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक आएगा हमारा समानता के ऊपर वो होगा समानता के प्रकार, और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा और इसी वीडियो में कवर अप करूंगा तो आपकी वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी, आपके लिए बोरिंग बन जाएगी। तो आप इस चीज को समझ चुके हैं। अब गाइस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके मेरे से पर्सनली डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ गाइज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया जिसमें आपको सोल से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है और हमारी सारी वीडियोज का लिंक आपको वहाँ पे सबसे पहले दे दिया जाता है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फ्री में वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपसे कोई पैसे वैसे वहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप वहाँ पे उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर तो जरूर करिए।